व्हाट इज प्राइमरी डीकम्पोजिशन थ्योरम? इसका जो रिजल्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आपने हमेशा याद रखना है। ये थ्योरम बहुत कम पेपर्स में आती है, सो आपने इसका जो रिजल्ट है वो अच्छे से लर्न करना है। अगर आपको इसका रिजल्ट आता है तो आप इसका जो प्रूफ है वो भी अच्छे से कर लोगे। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं इसके प्रूफ भी करा दूंगी, पहले हम एक्सरसाइज करेंगे। नाउ इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट फाई ऑफ वी टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास जो ये है मैपिंग वो क्या है, सेम जैसे हमने इनवेरिएंट की डेफिनेशन की थी। सो वी टू वी क्या है, हमारी सेम मैपिंग है, तो वो क्या होती है, हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद मिनिमम पॉलिनोमियल। क्या गिवन है हमें, एम ऑफ टी इज इक्वल टू एफ वन टी की पावर एन वन, एफ ऑफ टू टी एन टू अप टू सो ऑन एफ आर टी की पावर एन आर, वेयर एफ आई टी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मोनिक इरिड्यूसेबल पॉलिनोमियल। देन वी इज डायरेक्ट सम ऑफ आई इन वेरियंट स्पेस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू आर। जो हमारे एफ वन है वो किस में है, डब्ल्यू वन में, एफ टू डब्ल्यू टू में, और एफ आर डब्ल्यू आर में है। सो आप यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी डाल सकते हो। वेयर डब्ल्यू आई किसका है फंक्शन, कर्नल ऑफ एफ आई फाई। फाई का मतलब क्या था, फाई किसको डिनोट कर रहा है, इनवेरिएंट को। एफ ऑफ आई फाई की पावर एन वन नहीं एन आई, दैट इज v इज इक्वल टू सम मॉडुलो, इसे हम मॉडुलो बोलते हैं, सम मॉडुलो समेशन i इज इक्वल टू वन टू r कर्नल ऑफ एफ आई फाई की पावर एन आई। इसका रिजल्ट आपने लर्न करना है फॉर क्वेश्चन वन के लिए। मोर ओवर एफ आई टी की पावर एन आई इज द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाई टू डब्ल्यू आई। इसमें मेन क्या याद रखना है, v इज इक्वल टू सम मॉडुलो समेशन i इज इक्वल टू वन टू r कर्नल ऑफ एफ आई फाई की पावर एन आई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं इसके थ्योरम्स भी करा दूंगी। थैंक यू। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं एग्जाम्पल की भी वीडियो बना दूंगी। Thank you.